क्या आपने यह बात कभी जानने की कोशिश की है कि हासिम आमला जो साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम के ओपनर बैट्समैन हैं उनके जर्सी में कासल का लोगो क्यों नहीं होता है जबकि साउथ अफ्रीका के सभी प्लेयर के जर्सी में होता है। और क्या आपको पता है अलास्का में एक सिटी है जहां पर 67 डेज तक अंधेरा ही रहता है और ताइवान में एक बर्तन बनाने वाली कंपनी है जिनके बर्तनों को आप खा भी सकते हैं। ऐसे ही अजीबोगरीब फैक्ट को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 20, प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड का सबसे डेंजरस वेपन परमाणु बम है और यह बात तो आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा कि एक न्यूक्लियर वेपन से कितनी तबाही हो सकती है। बट क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड के पहले न्यूक्लियर वेपन का नाम लिटिल बॉय एंड दूसरे का नाम फैटमैन रखा था जिसे आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। फैक्ट नंबर 19, जोनो लैंगस्टर जो आज एक प्रोफेशनल मॉडलर होने के साथ साथ एक टीचर भी है। बट आप ये जान के चौंक जाओगे जब जोनो लैंगस्टर का जन्म हुआ था तो उनके पैदा होने के 36 घंटे बाद ही उनके पेरेंट्स ने उन्हें बर्थ डिफेक्ट के चलते एडॉप्शन के लिए छोड़ दिया था और आज वो लाखों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं। फैक्ट नंबर 18, नॉर्वे में एक 800 साल पुराना स्टेप चर्च है जो 1181 में सिर्फ लकड़ी से बनाया गया था। बट आप ये जान के चौंक जाओगे कि इसे बनाने में एक भी कील का इस्तेमाल नहीं हुआ था और यह चर्च आज भी मौजूद है। फैक्ट नंबर 17, लाइब्रेरी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में बुक्स का ख्याल आता होगा। बट क्या आपको बताएं कि दुनिया में ऐसे भी कई लाइब्रेरीज है जहां बुक्स नहीं बल्कि इंसान होते हैं जिन्हें आप बुक्स की तरह ही उधार ले सकते हैं, जिनके पास आपके लिए यूनिक लाइफ के एक्सपीरियंस से आपको बताने के लिए बहुत सारे स्टोरीज हो। फैक्ट नंबर 16, ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ अपने घर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें लोगों से दूर रहने के लिए बॉडीगार्ड का सहारा लेना पड़ता है। बट हैरी पॉटर मूवी के मशहूर एक्टर डैनियल रेडक्लिफ एक बार लोगों से दूर रहने के लिए कुछ इस तरह घर से निकले थे। फैक्ट नंबर 15, एक पिता के दिल में अपनी बेटी के लिए कितना प्यार होता है जिसका एग्जांपल आप इस तस्वीर में देख सकते हो जिसमें एक पिता अपनी पैरालाइज्ड बेटी को चलने का एक्सपीरियंस देने के लिए एक शूज़ डिज़ाइन किया है। इस ब्यूटीफुल फैक्ट के लिए एक लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 14, हमारे इंडिया में रोड्स बनाते समय अगर कोई पेड़ बीच में आता है तो उसे काट कर हटा दिया जाता है। बट वही जापान में ऐसे सिचुएशन में पेड़ को काटते नहीं बल्कि कुछ इस तरह पेड़ों की जड़ों को बांधकर दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको पता है 1973 में चाइना और यूएसए के बीच एक अजीब सा डील हुआ था जिसमें चाइना ने यूएसए को 1 करोड़ चाइनीज लेडी देने का प्रस्ताव रखा था जिससे यूएसए का पॉपुलेशन बूस्ट हो सके। फैक्ट नंबर 12, अलास्का में लोकेटेड बेरो टाउन जहाँ पर हर साल 18 नवंबर को सनसेट होने के बाद सीधा 23 जनवरी को सनराइज होता है और इस पीरियड के बीच टोटल 67 डेज तक वहाँ अंधेरा ही रहता है। फैक्ट नंबर 11, अभी आपने जिस वॉइस क्लिप को सुना उसे आपने बहुत सारे टीवी शोज में सुना होगा। बट क्या आपको पता है यह वॉइस क्लिप 1950 में रिकॉर्ड की गई थी और अगर हम इसे टेक्निकली देखें तो हम मरे हुए लोगों की हंसी को सुनते हैं। फैक्ट नंबर 10, एक बार क्या हुआ, एक आदमी एक एरोप्लेन में अकेला था तो उसने टाइम पास के लिए हर सीट पर जाकर एक एक फ़ोटो खिंचवा ली और उसे फोटोशॉप कर दिया जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 9, इराक में एक बुक मार्केट है जो एक स्ट्रीट एरिया में है जिसे रात में ऐसे ही छोड़ दिया जाता है क्योंकि इराकियों का ऐसा मानना है कि कोई पढ़ने वाला इंसान कभी बुक्स चोरी नहीं करेगा एंड कोई चोर भी बुक्स चोरी नहीं करेगा क्योंकि वह पढ़ता नहीं है। फैक्ट नंबर 7, 2010 के MTV म्यूजिक अवार्ड शो में एक अमेरिकन सिंगर लेडी गाना एक असली मीट का ड्रेस पहनकर आई थी जिसका डिज़ाइन आप स्क्रीन पर देख सकते हो। फैक्ट नंबर 6, इस आदमी की स्टोरी ये प्रूव करती है कि हर जानवर पालतू नहीं बन सकता क्योंकि इस आदमी ने एक बार एक हिप्पो को नदी से बचाकर उसे अडॉप्ट कर लिया बट 5 साल बाद उसी हिप्पो ने उस आदमी को उसी नदी में खींचकर मार डाला। फैक्ट नंबर 5, इंडिया के मिजोरम स्टेट की राजधानी आइजोल में वहाँ के लोग ट्रैफिक रूल्स को कितना फॉलो करते हैं जिसका एग्जांपल आप इस तस्वीर में देख सकते हो कि किसी ने उस लेन को क्रॉस नहीं किया है और अपने साइड में ट्रैफिक जैम खुलने का वेट कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 4, भूटान कितना इको फ्रेंडली देश है आप इस बात से ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि जब वहाँ के नए प्रिंस का जन्म हुआ था
तब वहाँ के लोगों ने इसका सेलिब्रेशन 80,000 से भी ज़्यादा पेड़ों को लगाकर मनाया था। फैक्ट नंबर 3, ताइवान में एक कंपनी है जो प्लेट्स, चम्मच, बाउल एंड चॉपस्टिक बनाती है जो लिटरली आटे से बनी होती है, जिनमें आप खाना खाने के बाद उन बर्तनों को भी खा सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है फ्रांस में एक रोड है जो सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए दिन में 2 बार इस्तेमाल होती है और बाकी समय यह रोड 13 फीट पानी के नीचे गायब हो जाती है। फैक्ट नंबर 1, हासिम अमला जो साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम के ओपनर बैट्समैन हैं, इन्होंने अपने जर्सी में कासल कंपनी का लोगो कभी नहीं लगवाया, जिसके लिए उन्हें अपने 50% फीस फाइन देना पड़ता है, क्योंकि कासल एक अल्कोहल कंपनी है और आपको तो पता ही होगा कि हासिम अमला मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं और मुस्लिम धर्म में शराब हराम होता है। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।